नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। किस राजनीतिक दल को हर साल कितना चंदा मिलता है और सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली पार्टी कौन सी है, ये बताने वाली एडीआर रिपोर्ट अब सामने आ गई है। एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2019-20 में पार्टी चंदा के रूप में मिली अपार दौलत की जानकारी दी है। एडीआर ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 में क्षेत्रीय दलों को 55% से ज्यादा का अज्ञात चंदा मिला है। वहीं राष्ट्रीय पार्टी को अज्ञात सोर्स से इससे भी ज्यादा यानी कि 70.98% यानी 3,371 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला है, जिनमें सिर्फ बीजेपी को 2,642 करोड़ से ज्यादा और कांग्रेस को 526 करोड़ का चंदा अज्ञात स्रोत के रूप में मिला। हालांकि ज्यादातर इलेक्टोरल बॉन्ड में भी लोग अपनी पहचान नहीं बताते। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में 25 क्षेत्रीय दलों को कुल 803 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला था, जबकि 445 करोड़ रुपए से ज्यादा के मिलने के सोर्स की कोई जानकारी नहीं है। अज्ञात सोर्स से मिले चंदे में से 426 करोड़ से ज्यादा और 4,97,00,000 रुपए स्वैच्छिक योगदान से मिले। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय दलों को अज्ञात सोर्स से मिले चंदे की वजह से उनकी आय का 70.98% तक इजाफा हुआ। दिलचस्प बात यह है कि अज्ञात स्रोतों से सबसे ज्यादा आय वाले क्षेत्रीय दलों की सूची में दक्षिण भारत की पार्टियां जिनमें TRS, TDP, YSR, कांग्रेस पार्टी, DMK और JDS सबसे ऊपर है। इस सूची में ओडिशा की सत्तारूढ़ BJD भी शामिल है। बता दें कि TRS 89.15 करोड़ रुपए, TDP 81.69 करोड़ रुपए, YRS कांग्रेस पार्टी 74.75 करोड़ रुपए, BJD 50.58 करोड़ रुपए और DMK 45.50 करोड़ रुपए का अज्ञात सोर्स दान घोषित किया है। वहीं बीजेपी के द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए विवरण के मुताबिक पार्टी ने इस साल असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में हुए चुनावों में 252 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें से 151.18 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के लिए खर्च किए गए। वहीं TMC की तरफ से कहा गया है कि उसकी तरफ से पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों में 154.28 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।